मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गांधी परिवार लगातार अहम ऐलान करते हुए देखा जा रहा है। अब सवाल लगातार यहां पर ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन ऐसे में यहां पर अब ये सवाल बन रहा है कि आखिरकार सोनिया गांधी ने जिस तरह से इनकार किया है लोकसभा चुनाव लड़ने से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उन्होंने हवाला दिया और एक भावुक नोट लिखती हुई नजर आई है रायबरेली की जनता के लिए, लेकिन साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि आगे आपको मेरे परिवार का ध्यान रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी या फिर बेटे राहुल गांधी को मैदान से उतार सकती हैं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या फिर नहीं, फिलहाल देखा जाए। सूत्रों के मुताबिक यहां पर एक बेहद बड़ा दावा किया गया है। दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा शायद ही लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि रायबरेली सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया है। अमेठी को लेकर भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि गांधी परिवार ने यूपी से चुनावी रिश्ता क्या अब खत्म कर दिया है। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। हमेशा इसी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति अब भी है। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो दावे किए गए हैं कि कहीं ना कहीं वह आने वाले समय में चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं अमेठी से, लेकिन दूसरी ही तरफ दावा साफ तौर पर यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जा सकता है, क्योंकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी यही चाहते हैं कि प्रियंका को अब लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी ने जो भावुक नोट लिखा उस नोट के जरिए उन्होंने यहां पर तमाम बड़े बड़े संकेत दे दिए। देखते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में मैदान में उतरती है या फिर नहीं, क्या कुछ फैसला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।